फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर फ्री ट्रैवल चैनल। आज हम गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा के बारे में बात करेंगे। सापुतारा जो अपनी खूबसूरती, हरे भरे जंगल, पहाड़ और झरनों के लिए काफी फेमस है। सापुतारा गुजरात में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जो अपने पर्यटक आकर्षण और प्राकृतिक सुंदरता से हर साल लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। यह हिल स्टेशन इको प्रेमियों, वन्य जीव उत्साही और साहसिक खेलों को पसंद करने वाले लोगों के लिए काफी अट्रैक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सापुतारा के टॉप 10 प्लेसेस के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। टॉप 10 प्लेसेस इन सापुतारा। हमारा फर्स्ट स्पॉट है सापुतारा लेक। सापुतारा लेक सापुतारा का सबसे फेमस पिकनिक स्पॉट में से एक है, जो हरी भरी हरियाली से सुसज्जित मानव निर्मित लेक लोकप्रिय रूप से अपने बोटिंग एक्वेटिक्स के लिए काफी जाना जाता है। इसीलिए इस लेक के पास कई बोटिंग क्लब स्थित है, जो पर्यटकों को बोट के साथ साथ पैडल और सेल बोट प्रदान करते हैं। इसके अलावा लेक के किनारे बहुत सारे फूड जोन, टी स्टॉल, शॉपिंग एरिया और बच्चों के लिए पार्क भी है, जो इसे फैमिली और बच्चों के साथ सापुतारा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। हमारा सेकंड स्पॉट है हडगढ़ फोर्ट। हडगढ़ फोर्ट गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर सापुतारा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह फोर्ट का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा करवाया गया था। इस किले को पहुंचने के लिए आपको ट्रैकिंग की सहायता से आप इस किले पे पहुंच सकते हैं, जो इसके आकर्षक के रूप में कार्य करती है, क्योंकि हरी भरी सुंदरता से मध्य ट्रैकिंग करके हडगढ़ किला जाना पर्यटकों को काफी पसंद आता है। और वहां पर पहुंचने के बाद वहां की चोटी से गंगा और जमुना के जलाशय से पूरी घाटी के शानदार दृश्य का आनंद भी आप ले सकते हो। हमारा थर्ड स्पॉट है गिरा फॉल्स। गिरा फॉल्स सापुतारा राज्य राजमार्ग पर बाघाई के पास स्थित है, जिसे सापुतारा के आकर्षक पर्यटन स्थल में से एक है। गिरा फॉल्स एक सुंदर वाटरफॉल है, जो हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ है। यह फॉल मानसून के समय और अधिक आकर्षक हो जाता है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए काफी अट्रैक्ट करता है। और फ्रेंड्स, आप जब भी इस स्पॉट पे जाए तो वहाँ के प्रकृति सुंदरता और शांत माहौल पे काफी अट्रैक्ट होंगे। हमारा फोर्थ स्पॉट है सनसेट पॉइंट। सापुतारा का सनसेट पॉइंट काफी फेमस स्पॉट में से एक है, जो हरी भरी हरियालों से परिपूर्ण डैग वन एक शानदार दृश्य देता है, जिसे सूर्यास्त के अद्भुत नजारे के साथ देखना किसी कल्पना से कम नहीं है। यकीन मानिए, इन नजारों को देखकर आप बहुत ही खुश होंगे। सापुतारे के प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध सनसेट पॉइंट के लिए पहुंचने के लिए आपको चढ़ाई या ट्रैकिंग करने की आवश्यकता होती है, जो इस ट्रिप को रोमांचक और एक्साइटेड बना देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेबल पॉइंट। टेबल पॉइंट नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह पहाड़ी की चोटी पर एक टेबल जैसी सतह है। यह सापुतारा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। वहां से आप खूबसूरत दृश्य भी देख सकते हैं और वहां पर आप कई एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे ऊंट की सवारी, जीप लाइनिंग जैसी कई गतिविधियां जो आप पहाड़ी के पास कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्पॉट है वनसंदा नेशनल पार्क। सापुतारा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वनसंदा नेशनल पार्क सह्याद्री पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है। यहाँ पर आप तेंदुए, हाइना, जंगली सुअर, सांभर जैसे कई अन्य जीव को आप देख सकते हो। पार्क में वन्य जीवों के साथ साथ विभिन्न पेड़ पौधे और लगभग 443 प्रकार के फूलों की प्रजातियों को भी देखा जा सकता है, जो यकीनन बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। हमारा नेक्स्ट स्पॉट है स्टेप गार्डन। सापुतारा हिल स्टेशन में घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक स्टेप गार्डन बेहद ही आकर्षक गार्डन है, जिसे पूरी तरह से स्टेप पैटर्न पर बनाया गया है। जब भी आप स्टेप गार्डन आएंगे तो यहाँ बगीचे की सीढ़ियों में खिड़की के बक्से, पौधे और जटिल लकड़ी के काम की एक विस्तृत श्रृंखला देख सकेंगे।
विभिन्न फूलों के साथ साथ इस गार्डन में केंद्र में बच्चों के लिए स्पोर्ट एरिया भी बनाया गया है, जहां बच्चे काफी मस्ती करते हैं। यही अट्रैक्शन इस पार्क को फैमिली और बच्चों के साथ सापुतारा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट स्पॉट है इको पॉइंट। सापुतारा की एक लोकप्रिय जगहों में से एक है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्वत श्रृंखलाओं के लिए काफी फेमस है। इस पॉइंट की एक और आकर्षक बात यह है कि जब भी यहाँ से आप जोर से आवाज लगाते हैं, तो आपकी आवाज बार बार वापस आती है, जो पर्यटकों को काफी अट्रैक्ट करती है। हमारा नेक्स्ट स्पॉट है रोपवे। फ्रेंड्स, यदि आप अपने बच्चे या अपने बुजुर्ग परिजनों के साथ सापुतारा की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको रोपवे की इस खूबसूरत हिल स्टेशन के मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्य को भी अवश्य देखना चाहिए। यह रोपवे सनसेट पॉइंट से शुरू होकर पर्यटकों को गवर्नर हिल और सनराइज पॉइंट तक ले जाता है। इस रोपवे में पर्यटक लगभग 30 मिनट की ऊंचाई से पूरे शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं, जो निश्चित ही आपकी ट्रिप को सबसे यादगार लम्हों में से एक होता है। हमारा लास्ट स्पॉट है सापुतारा ट्रिबल म्यूजियम। यदि आप सापुतारा के आदिवासी जनजातियों के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है, तो इसके लिए आपको सापुतारा ट्रिबल म्यूजियम जाना जरूरी है। यह म्यूजियम सूरत और नासिक के राजमार्ग पर स्थित है, जो डांग जिले के आदिवासियों की जीवन शैली, इतिहास और परिस्थिति को प्रदर्शित करता है। इनके अलावा इस म्यूजियम में हर साल कार्यशालाएं और अन्य प्रदर्शनें भी आयोजित की जाती है, जो पर्यटकों को काफी अट्रैक्ट करती है। फ्रेंड्स, अगर आप सापुतारा हिल स्टेशन घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो उसका अच्छा समय पूरे साल भर का ही है, क्योंकि यह हिल स्टेशन काफी ऊपर है, जिससे वहाँ की ठंडी और सुखद वायु आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो आप पर्यटक वर्ष में किसी भी समय सापुतारा घूमने जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी मेरा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और हमेशा हंसते रहो और घूमते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।